हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चित्रांश अतुल के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर पर स्क्रीनशॉट लेना सिखाऊंगा। दोस्तों, अक्सर हम मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं, पर आज मैं आपको कंप्यूटर पर स्क्रीनशॉट लेना सिखाऊंगा। दोस्तों, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ वह विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8 सभी प्रकार की विंडो पर काम करेगा। इसके लिए विंडो में एक टूल्स होता है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसका नाम है स्निपिंग टूल्स। मैं आपको बताऊंगा कि यह टूल्स कहाँ मिलता है और कैसे इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो में जरूर कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें अपने सर्च बॉक्स में इसका नाम टाइप करना होगा, SNIPING। तो आपके सामने यह टूल्स शो करने लगेगा। यहाँ पर आप इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद यह कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। दोस्तों, इस टूल्स में 5 ऑप्शन होते हैं। मैं आपको 5 ऑप्शन एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है वह है फ्री फ्रॉम स्पिन। तो अभी हम इस पर क्लिक करते हैं। देखिए, इसके बाद ये कुछ कैची जैसा हमारे सामने आ गया है। अब हम अपनी माउस के क्लिक को दबाते हुए इसको घुमाएंगे। देखिए, तो इस प्रकार से यह स्क्रीनशॉट हमारे सामने आ गया है। आप इसको सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पर फाइल पे जाना होगा और सेव एज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यह आपसे नाम पूछेगा, जहाँ पर भी आपको सेव करना हो, डेस्कटॉप पर, माई डॉक्यूमेंट्स पर, आप सेव कर दीजिए। मैं इसे कैप्चर वन नाम से सेव कर देता हूँ। तो यह हमारे डेस्कटॉप पर कैप्चर वन नाम से आ गया होगा। देखिए, यह आ गया है। इसी तरह अब हम इसके अगले ऑप्शन का यूज करना सीखेंगे। अब हम यहां पर इसका दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, रेक्टेंगुलर स्निप। सॉरी, इससे पहले हमें इसके न्यू पर क्लिक करना होगा। न्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा और अब हम रेक्टेंगुलर स्निप पर क्लिक कर देंगे। और रेक्टेंगल करने के बाद आपके माउस में या रेक्टेंगल की तरह आप जितना भी इसको स्क्रॉल करेंगे, सिलेक्ट करेंगे एरिया को, उतने एरिया का ये आपका स्क्रीनशॉट ले लेगा। देखिए, बहुत ही आसान है। इसको भी आप उसी तरह से सेव कर सकते हैं। तो हम अपने अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। हम फिर से न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर विंडो स्निप पर क्लिक करेंगे। इस पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर ये हाथ बना आ जाता है। तो आप जैसे ही इस पर अपने माउस के क्लिक दबाएंगे, ये आपकी स्क्रीन को कैप्चर कर लेगा। पूरी की पूरी स्क्रीन जितनी भी होगी यह उसको कैप्चर कर लेगा। कुछ इस प्रकार से यह आपके सामने है। इसको भी आप सेव कर सकते हैं फाइल पर जाके। और अभी मैं इसको न्यू कर दे रहा हूँ अगला ऑप्शन जानने के लिए। इसके बाद जो अगला जो ऑप्शन है वह है फुल स्क्रीन स्निप। तो इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आपके सामने कैप्चर कर लेगा। जो भी आपकी पिक्चर है वह कैप्चर कर लेगा। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आपको इसको करके। हम जैसे ही फुल स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो यह इसने देखिए इमेज को कैप्चर कर लिया है। तो यह कमाल का टूल्स है विंडो में। आप यूज करके देखिए, आपको जरूर मजा आएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आप
ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।